नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। चीन की वजह से दुनिया विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है। चीन की आक्रामकता की वजह से परेशान होकर ताइवान ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन ने अगर ताइवान पर कब्जा किया तो पूरे एशिया में इसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम होंगे। वहीं ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने चेतावनी दी है कि चीन के साथ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चीन की सेना हमला करती है तो ताइवान जवाब देने के लिए तैयार है। चीन और ताइवान के बीच हो रहे टकराव से पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने युद्ध की तैयारी की घोषणा करते हुए वैश्विक समुदाय से मदद मांगी है। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से ताइवान ने फौरन मदद की मांग की है। पिछले एक हफ्ते में चीन लगातार ताइवान में अपने लड़ाकू विमानों को भेज रहा है। अब तक चीन की तरफ से पिछले चार दिनों में 100 से ज्यादा विध्वंसक लड़ाकू विमानों को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजा जा चुका है। सोमवार को एक बार फिर से चीन ने ताइवान की तरफ 56 लड़ाकू विमानों को भेज दिया था, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चीन ने ताइवान को धमकी देते हुए कहा है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से ताइवान पर शासन करना चाहता है, लेकिन अगर ताइवान ने चीन की बात मानने से इनकार किया तो चीन अपनी ताकत के दम पर ताइवान पर कब्जा कर लेगा। चीन ने साफ तौर पर कहा है कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है और उसकी स्वतंत्रता की बात को खारिज करता है। हालांकि ताइवान की तरफ से कहा गया है कि वो एक स्वतंत्र देश है और पूरी दुनिया को उसकी स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। ताइवान ने कहा है कि चीन कभी भी हमला कर सकता है और ताइवान आखिरी सांस तक चीन के साथ लड़ाई लड़ेगा। 1949 में गृह युद्ध के दौरान चीन और ताइवान अलग हो गए थे और चीन अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की भागीदारी का विरोध करता रहा है। ताइवान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से फौरन मदद मांगी है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश हैं, लिहाजा ताइवान को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी युद्ध की स्थिति में मदद करने के लिए जरूर आएंगे। बीते शनिवार को चीन की सेना का स्थापना दिवस था। उस दिन चीन के 39 विमान ताइवान के इलाके में उड़ान भर रहे थे। इनमें परमाणु हथियार ले जा सकने वाले लड़ाकू विमान भी शामिल थे। इस घटना की ताइवान के अलावा अमेरिका ने भी निंदा की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। हालांकि अभी भी अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में मौजूद है और उसे अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए ही रखा है। बावजूद इसके अमेरिका के लिए अकेले ताइवान को बचाना काफी मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला कर देता है तो ये लड़ाई किस मोड़ पर खत्म होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।